अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आदब दोस्तों। मैं डॉक्टर नुरुल, मेरे कोलकाता होम्योपैथी टिप्स के एडवांस होम्योपैथी में आप सबों का स्वागत है, वेलकम। दोस्तों, मैं हमेशा आप सबों के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा प्रॉब्लम का सोल्यूशन और टिप्स लेके आता रहा हूँ, इंशाल्लाह हमेशा लेके आता रहूँगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, ऊपर वाले बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ कफ एंड दोस्तों ऐसे कफ जो हमारे बियर, शराब, स्मोकर जिसके कारण से ये अक्सर देखा जाता है। ज़्यादा स्मोक करने से हमारे गले में एक इरिटेशन होता है, खांसी होता है और जो कभी भी छूटने का नाम नहीं लेता है, एलोपैथी बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद भी। वरना कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जो बियर वगैरह, शराब वगैरह पीते हैं, इसका भी ऐसा कफ होता है, खांसी होता है जो छूटने का नाम नहीं लेता है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में हर बीमारी का बहुत ही अच्छा टिप्स और सोल्यूशन है, बहुत ही अच्छा इलाज होता है। मैं तो कहूँगा कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, जो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के प्रॉब्लम में होम्योपैथी ट्रीटमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आपको लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं आज ड्रिंकर कफ या स्मोकर कफ के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन लेके आया हूँ, सिर्फ ओनली टू मेडिसिंस। दोस्तों, नंबर वन रीमैक्स 32 मरतबा करके 8 से 10 दिन आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका स्मोकर कफ या ड्रिंकर कफ आराम हो जाएगा। इससे अगर आपको कोई खास फ़ायदा नहीं मिलता है तो दोस्तों आप कैप्सिकम 30 दिन में 2 मरतबा करके 15 से 20 दिन आप यूज करें, इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। मैं तो कहूँगा कि एक मरतबा ज़रूर ट्राई लें। दोस्तों, आप कभी भी परेशान ना हो, किसी भी टिप्स के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए मेरा व्हाट्सअप दिया हुआ है, आप ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे। जय हिंद, खुदा हाफिज़।